भारत 1030 ईस्वी। मरे हुए और मर रहे लोगों से भरे मैदान के ऊपर सूरज डूब रहा था। उन लोगों से बेपरवाह हजारों लोग लड़ रहे थे। तभी बिजुल बज उठे, जो संकेत था कि आज की लड़ाई खत्म हो गई, युद्ध का दिन समाप्त हुआ और हथियार डालने का समय है। गोवर्धन ने बिजुल की आवाज सुनते ही अपने हाथ रोक दिए। उसने अपने विपक्ष को लंबे और कठोर युद्ध के बाद निशस्त्र किया था और घुटनों पर ले आया था। अब एक और मारक प्रहार का समय है, उसने सोचा और अपनी गदा को उस आदमी के सिर पर मारने के लिए ऊपर उठाया। रुको गोवर्धन, थोड़ी दूरी से महिपाल तोमर चिल्लाया, युद्ध का दिन समाप्त हो गया है। अपनी प्रतिष्ठा न गिराओ, अपने राजा की प्रतिष्ठा न गिराओ। दिल्ली का राजा महिपाल गोवर्धन का दूर का रिश्तेदार था। हालांकि जब उसकी माँ ने एक बार दूर दराज के रिश्ते के बारे में समझाने की कोशिश की थी, तो गोवर्धन का सर थोड़ी ही देर में घूमने लगा था। उसे बस इतना पता चला था कि उसके पिता और महिपाल दूर के रिश्ते में चचेरे भाई हैं। गोवर्धन ने ठंडी सांस ली। राजा अच्छा आदमी था, लेकिन कभी कभी उसका इतना अच्छा होना भी मुश्किल में डाल देता था। मिसाल के लिए, उसका ये फैसला कि पश्चिम में दक्षिण से बमुश्किल 20 किलोमीटर दूर एक मैदान में दुश्मन से लड़ाई करना, जबकि सलाहकारों ने उसे ये सुझाव दिया था कि उसे अपनी मजबूत दीवारों से घिरी राजधानी में रहकर ही युद्ध करना चाहिए। महिपाल इस सुझाव पर भड़क उठा था। क्या मैं अपने शहर की दीवारों में छिपा रहूं, जबकि हमलावर मेरी जमीन पर घूमते रहे, मेरी आंखों के सामने मेरे गांवों को लूटते रहे और मैं चूड़ियां पहनकर बैठा रहूं? शेर गीदड़ से छिपता नहीं है, वो अपने इलाके में घुसने वाले दुस्साहस करने वाले को टुकड़ों में चीर देता है। निजी तौर पर गोवर्धन भी उदार राजा के मुकाबले उसके समझदार सलाहकारों से सहमत था, लेकिन राजा की सेना के एक अधिकारी होने के नाते उसके पास आदेश मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। महिपाल वास्तव में चाहता था कि तुर्कों से दिल्ली के काफी बाहर लड़ाई की जाए, लेकिन जिस रफ्तार से तुर्क सेना आगे बढ़ रही थी, उससे वो चौंक गया था और मजबूरी में उस मैदान में लड़ना पड़ा था जहां वो नहीं लड़ना चाहता था। आखिरकार तुर्कों को बिना किसी वजह के ही इतिहास की सर्वश्रेष्ठ सेना में नहीं गिना जाता था। निर्मम, तेज गति से आगे बढ़ने वाले, कड़ी मेहनत करने वाले, केवल अपनी बर्बरता और क्रूरता से दुश्मन का हौसला तोड़ने में काबिल। लेकिन राजपूत सेना ने मजबूती से मुकाबला किया और तुर्कों को रोक दिया। गोवर्धन ने भी पूरा दिन दुश्मन सेना से लड़ते हुए बिताया था, जिसका अंत गजनी के उस सैनिक के साथ निर्मम लड़ाई में हुआ था, जो अब उसकी दया पर था। वो आदमी एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था और उसको जिंदा छोड़ना मूर्खता थी, क्योंकि वो अगले दिन तरोताजा होकर फिर लड़ने आ जाता। लेकिन क्षत्रिय प्रतिष्ठा कहती थी कि युद्ध का दिन खत्म होने के बाद हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। घबराया हुआ तुर्क जमीन पर पड़ा था, उसकी उंगलियां खुली पड़ी थी। गोवर्धन ने अपनी गदा नीचे की और उस आदमी की मदद करने के बहाने उसके पास पहुंचा। जब उसने ऐसा किया, तब अपना पैर उस आदमी के दाहिने हाथ पर रखा। फिर वो आगे की ओर मुड़ा और अपने पैर से उसकी हथेली को मसल दिया और ये सुनिश्चित किया कि वो कुछ पल तक उसके शरीर का पूरा वजन उस दुश्मन की उंगलियों और कलाई पर जाए। सालों से गोवर्धन को यह बताया गया था कि उसका नाम बिल्कुल सही रखा था, क्योंकि वो एक पहाड़ की तरह दिखता था, विशालकाय, चट्टान की तरह और रौबदार। वो ज्यादातर पुरुषों से ऊंचा था और करीब करीब उतना ही चौड़ा जितना वो लंबा था। चौड़े कंधे और छाती, मोटी कमर और गठीली बाहें, जांगे और पिंडलियां, उसका वजन उसके प्रतिद्वंदी के लिए काफी ज्यादा साबित हुआ, जो दर्द से चीख उठा था जब उसकी उंगलियां और कलाई की हड्डियां चूर चूर हो गई। लेकिन उसकी चीख उस शोर में गुम हो गई
जो हजारों सैनिकों के युद्ध के मैदान से लौटने की वजह से पैदा हो रहा था। इससे तुम मुसीबत से बचे रहोगे, गोवर्धन ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। फिर वो आराम से नीचे झुका और तुर्क के सिर पर थपकी दी। वो मुड़ा और लौटने लगा। तोमर छावनी की तरफ जाने का रास्ता काफी लंबा था। जब वो चल रहा था तो अपने साथ चल रहे दिल्ली के दूसरे सैनिकों को देखते हुए मुस्कुराता जा रहा था। तोमर सेना के लिए आज का दिन अच्छा था। उन्होंने गजनी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था। गोवर्धन के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए उदासी आई जब उसे याद आया कि कैसे उसका घोड़ा मारा गया उसी आदमी के भाले के वार से जिसने उसे अभी धूल चटाई थी। फिर उसने कंधे उचकाए। हालत इससे भी बुरी हो सकती थी। वो अभी भी जिंदा था और गंभीर रूप से घायल भी नहीं था, जो कि सुबह उसके साथ युद्ध में गए ज्यादातर सैनिकों के लिए कहा जा सकता था। जब उसने अपने निजी तंबू में प्रवेश किया, उसके नौकर ने उसका कवच उतारने में मदद की, फिर उसे एक ठंडे पानी की बाल्टी थमाई। गोवर्धन ने अपने शरीर पर वो पानी डाला। अपने कपड़े उतारने की जरूरत भी नहीं समझी। राहत और खुशी के मिले जुले भावों से वो हाँफने लगा था जब पानी उसकी दुखती मांसपेशियों से गुजर रहा था। नौकर ने उसे एक सूखा कपड़ा दिया जिससे उसने शेर की तरह अपने लंबे बालों को पोंछा। फिर उसने अपनी मोटी मूंछों को सवारा, फिर उसे तुरंत ही अच्छी तरह घुमा लिया। दूत के आने की घोषणा हुई। गोवर्धन ने उसे अंदर बुलाया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज महिपाल आपको बुला रहे हैं सेनापति। महाराज को कहो कि मैं तुरंत हाजिर होता हूँ। गोवर्धन ने जल्दी जल्दी साफ कपड़े पहने और राजा के तंबू की तरफ चल दिया। वो उम्मीद कर रहा था कि वो लोग तुर्क सेनापति करीम की नई रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, जो दरअसल भारत में तुर्कों के प्रधान सेनापति सालार मकसूद का प्रेमी था। रणनीतियां आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी। इसमें महमूद की तरह आक्रमण की शैली नहीं थी। ये शैली थी कि दुश्मन की लड़ने की क्षमता को नष्ट कर दिया जाए। ये जीतने और शासन के लिए बेहतर थी, बनिस्पत सिर्फ हमला करने और लूटने के लिए। उसने ये भी सुना था कि करीम की ये बेहतर रणनीतियां उन युद्धों में देखी गई है जो वो दिल्ली के रास्ते में उसने जीते थे, और ये रणनीतियां हर जगह एक जैसी नहीं थी। वो हर इलाके और लड़े जा रहे हर युद्ध के साथ बदलती जा रही थी। वो उस जमीन और दुश्मन के हिसाब से डाली जाती थी जिसके खिलाफ उन्हें लड़ना था। यह काफी कुछ ऐसा था कि करीम और उसका मालिक सालार मकसूद भारत के अलग अलग समुदायों की संस्कृति, बारीकियों और अनुमानित रणनीतियों को अच्छे से समझ रहे थे। ये तो तोमर सेना का बड़ा आकार था जिसने आज के दिन उन्हें इस लड़ाई में टिकाए रखा था, ऐसा दिन जो बेनतीजा खत्म हुआ था। लेकिन अगले दिन तोमर सेना को कुछ अलग करना ही होगा अगर वो युद्ध जीतना चाहती है। गोवर्धन की उम्मीद थी कि चर्चा इसी मुद्दे के इर्द गिर्द होगी, लेकिन जैसे ही गोवर्धन ने राजसी तंबू के पर्दे हटाए, उसके चेहरे पर निराशा छा गई। राजा के चहेते ने उसे घेर रखा। वो हंसी ठहाके लगा रहे थे और जश्न शुरू हो गया था। शराब बह रही थी और बड़े बड़े थालों में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे थे। ये सोचते हुए कि युद्ध एक जलसा है, गोवर्धन ने खट्टे मन से सोचा। तंबू में उपस्थित अधिकतर पुरुषों के समान उसका बचपन खुशहाल नहीं रहा था। जब वह छोटा था तभी उसके पिता एक युद्ध में मारे गए थे और उसकी पैतृक संपत्ति उसके चाचा ने हथिया ली थी। गोवर्धन और उसकी माँ को प्रतिदिन अपमान का घूंट पीना पड़ता था और अपने समृद्ध संपत्तियों की दया पर जीवित रहना पड़ता था। गोवर्धन को जैसे ही मौका मिला वो सेना में शामिल हो गया। उसने अगले 10 साल तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए बिताए, जब तक कि उसे 1000 लोगों की कमान और अपनी एक छोटी सी रियासत नहीं मिल गई। उसके थोड़े समय बाद ही उसके चाचा की मौत हो गई, लेकिन गोवर्धन अपने गरीबी भरे बचपन के दिनों की कड़वाहट को भूल नहीं पाया था। साथ ही
वर्षों की मुश्किलों ने उसके स्वभाव को ऐसा बना दिया था कि वो जीवन की सच्चाइयों के प्रति शंकालु हो गया था। वो राजा महिपाल और उसके सामंतों के समान नहीं था, जो प्रतिष्ठा, उदारता और शिष्टता के क्षत्रिय सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास करते थे। आओ आओ गोवर्धन, महिपाल ने कहा, तुम आज बहुत अच्छा लड़े। दाढ़ी, मध्यम कद और मजबूत काठी के शरीर का मालिक महिपाल खुशी से दमक रहा था। कल माँ भवानी के आशीर्वाद से हम महमूद के पिल्लों को दुम हिलाते हुए गजनी वापस भेज देंगे। उसके काफी आदमी मारे गए महाराज, गोवर्धन ने नम्रता से कहा। हमसे ज्यादा, मुझे पूरा विश्वास है, हम कल इसे खत्म कर देंगे। सामने से हमारा एक आक्रमण तुर्कों के लिए काफी होगा महाराज। उसकी घुड़सवार सेना अभी भी खतरनाक है और मुझे संदेह है कि उसके पास और भी सेना है जो, महिपाल ने गोवर्धन को बीच में रोकते हुए कहा। तिरस्कार पूर्वक अपना हाथ हवा में हिलाया। वो कोई भी कोशिश करे, हम तैयार रहेंगे। आओ हम कल के लिए रणनीतियों पर चर्चा करें। दिल्ली का राजा एक मेज की तरफ बढ़ा जिस पर हाथी दांत की कई छोटी आकृतियां व्यवस्थित थी, जो घुड़सवारों, पैदल सेना, तीरंदाजों और अन्य सैन्य इकाइयों को दर्शाती थी। उसके दरबारी और सेनापति भी पीछे गए। उन सभी के हाथों में शराब के प्याले थे। कई घंटे बीतने के बाद जब गोवर्धन अपने तंबू में वापस लौटा तो उसका सर घूम रहा था। वहां काफी लंबी चर्चा हुई थी, साथ में शराब के कई दौर चल रहे थे और उसके बाद सत्र आखिरकार खत्म हुआ था। मेरे शेरों, जाओ अच्छी नींद लो, महिपाल ने चहकते हुए कहा। जब सारे आदमी बाहर निकल गए थे, बड़ी मात्रा में शराब पीने के बावजूद राजा के पैर और उसकी आवाज दोनों स्थिर थी। ये पहली बार नहीं था जब गोवर्धन को महिपाल तोमर की शराब को बचाने की क्षमता पर अचरज हुआ था। गोवर्धन अपने तंबू में पहुंचा और बिस्तर पर गिर गया। उसने अपने कपड़े नहीं बदले, ना ही अपना मुंह धोया। उसे बस अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि उसका दिमाग सुन्न हो गया। हर तरफ अंधकार है और फिर वहां उजाला हो गया। वो एक मैदान में था। उसने चारों तरफ देखा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कुछ तो गड़बड़ थी। रोशनी अजीब तरह से गिर रही थी, जैसे सूर्य टिमटिमा रहा हो। क्या बकवास है, अचानक वो दौड़ने लगा। मैदान से होते हुए चारों तरफ फैली लंबी घास के बीच दौड़ने लगा, उस रफ्तार से भी जितना तेज एक इंसान के लिए मुमकिन था, आवाज की रफ्तार से। और फिर वो अचानक रुक गया। एक साफ मैदान, कई लाशें एक कतार में वहां रखी थी, उसके आदमियों की लाशें जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। पृष्ठभूमि में उसकी विलाप सुनाई दे रहा था, धुआं उनकी आंखों में चुभ रहा था, लपटों की गर्मी से उसके शरीर से पसीना निकल रहा था। फिर उसे एक ऐसी चिता दिखाई दी जो जल नहीं रही थी, उस पर एक लाश थी, घायल। ये उस तुर्क की लाश थी जिसके साथ उसने युद्ध का दिन खत्म होते समय लड़ाई की थी, वही जिसका हाथ उसने कुचला था। तुर्क के चकनाचूर हाथ से खून बहता जा रहा था। अचानक तुर्क ने अपनी आंखें खोली, उसका मुंह कुछ हिलने लगा, जैसे कि वो कुछ बोल रहा हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी तुर्क की चिता में आग लग गई। उसकी गर्मी गोवर्धन को और झुलसाने लगी। उसे थोड़ा और करीब खींच लिया गया। धुआं अब दम घोट रहा था और फिर उस तुर्क की आवाज सुनाई दी, साफ और डरावनी। अब तुम्हारी बारी है काफिर। गोवर्धन एकाएक जग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे अचानक समझ में आया कि वह वाकई में धुआं है और अब वो उसके तंबू में फैल रहा है। वो अपने बिस्तर से कूदा, अपनी गदा उठाई और तंबू से बाहर दौड़ पड़ा। उसके सामने का जो दृश्य था वो नरकीय था। आसमान में अभी भी अंधेरा था, लेकिन हर तरफ रोशनी थी, उन तंबुओं की रोशनी जिन्हें जला दिया गया था।
घोड़े डर कर इधर उधर भाग रहे थे और उन आदमियों को कुचल रहे थे जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। युद्ध के नारे और चीख पुकार वहां गूंज रही थी। कुछ आदमी दूसरों पर हमला कर रहे थे और उन्हें कुचल रहे थे। एक आदमी जोर से चीखता हुआ उससे टकराया। जब उस आदमी का संतुलन लौटा, गोवर्धन ने देखा कि उसका चेहरा खून से लथपथ था, उसकी दाहिनी आंख से खून निकल रहा था और उसकी आंख की पुतली करीब करीब पूरी तरह से बाहर आ गई थी। बस एक पतली नस और कुछ पेशियों के सहारे लटक रही थी। तभी गोवर्धन को महसूस हुआ कि उसकी दाहिनी तरफ से कोई घुड़सवार तेजी से आ रहा है। वो ऐन वक्त पर घूमा और अपने ऊपर हुए तलवार के हमले को रोका। तलवार उसकी गदा से टकराई और चिंगारियां निकल पड़ी। तुर्क घुड़सवार ने अपने घोड़े को रोका। उसने मारक हमला करने के लिए अपनी तलवार दोबारा उठाई, लेकिन उससे पहले गोवर्धन ने अपनी गदा हवा में घुमाई। गोवर्धन के ऊंचे डिलडोल और भीमकाय शरीर की ताकत के सहारे गदा उस तुर्क घुड़सवार से टकराई। उसकी पसलियां टूट गई और उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। कुछ क्षणों बाद गोवर्धन के एक आदमी ने उस तुर्क के गले के आर पार भाला निकाल दिया और वो जमीन पर गिर गया। गोवर्धन ने घोड़े के भागने से पहले ही उसकी लगाम संभाली और कूद कर उस पर सवार हो गया। क्या हो रहा है? गोवर्धन ने उस भालाधारी सैनिक से पूछा। तुर्क बदमाशों ने हम पर तब हमला किया जब हम सो रहे थे स्वामी, उस सैनिक ने युद्ध के भारी शोर के बीच चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने हमारे संतरियों को जरूर मार दिया होगा। गोवर्धन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे कुछ अनिष्ट की आशंका हुई। सत्यानाश, ये तबाही है। मुझे महाराजा को यहाँ से निकालना होगा। मैं महाराज के तंबू की तरफ जा रहा हूँ, गोवर्धन चीखा। जितने आदमी हो सकते हैं उन्हें इकट्ठा करो और वहां पहुंचो अभी। गोवर्धन ने घोड़े को ऐंट लगाई और मेपाल के तंबू की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। तुर्क पैदल सैनिकों ने दो बार उन्हें रोकने की कोशिश की। बिना रुके उसने अपनी गदा से उनको दूर भगाया और घोड़े पर सवार रहा। जब वो मेपाल के तंबू के पास पहुंचा तो देखा कि राजा बख्तरबंद होकर तैयार थे। उनका पसंदीदा घोड़ा भी पहले से वहां खड़ा है। करीब 50 घुड़सवार तंबू की निगरानी कर रहे थे। गोवर्धन ने अपना घोड़ा रोका और कूद कर नीचे उतरा। भगवान का शुक्र है कि आप सुरक्षित हैं महाराज, गोवर्धन ने कहा। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मैपाल ने उसे घूर कर देखा। युद्ध के मैदान से भाग जाए? क्या तुम पागल हो? मैं एक तोमर हूँ। गोवर्धन ने अविश्वसनीय दृष्टि से उसे देखा। महाराज, दुश्मन ने रात में हमला किया है। उन्होंने नियम तोड़े हैं, आपने नहीं। ऐसी परिस्थितियों में अपनी जान बचाने में कोई शर्म नहीं है। और भी युद्ध आएंगे, लेकिन आपको जीवित रहना होगा। अगर आप न रहे तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। महिपाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम कैसे क्षत्रिय हो गोवर्धन? मैं घर लौटूंगा एक नायक की तरह, जीवित या मृत। अब या तो मेरे साथ आओ या मेरे रास्ते से हट जाओ। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ, फिर एक झंडे की तरह अपनी तलवार से इशारा किया। सैनिकों, उनका कायर सेनापति करीम वहां छिपा है। मैं कहता हूं कि हम सीधे उस पर हमला करें और इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर दें। कौन है मेरे साथ? सभी सैनिकों ने अपनी तलवार उठाकर तेज आवाज में गर्जना की। महिपाल गर्जा, जय भवानी, जय भवानी। दिल्ली का राजा तुर्कों की तरफ तेजी से छलांग लगाता बढ़ने लगा। उसके बहादुर सैनिक भी उसके पीछे पूरे जोश में चलने लगे। यह आत्महत्या है, गोवर्धन ने निराश होकर सोचा। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि वो घोड़े पर सवार होकर भाग जाए, लेकिन वो जितना भी व्यवहारिक रहा हो, क्षत्रिय कर्तव्यों के सिद्धांत उसके अंदर भी समाये हुए थे। फिर एक अंतिम आक्रमण ही सही, उसने दुखी मन से सोचा और फिर रकाब पे पैर डालकर घोड़े पर सवार होने लगा। जब वो ऐसा कर रहा था
तो अचानक उसकी नजर एक तुर्क तीरंदाज पर पड़ी जो उस पर निशाना लगा रहा था। उसी पल एक भारतीय सैनिक ने पीछे से तीरंदाज पर कटार से हमला किया और कटार को उसके दिल के आर पार कर दिया। तीरंदाज के धनुष से अनायास ही तीर छूट गया, जिसे गोवर्धन बाल बाल बचा। लेकिन जब वो तीर घोड़े के सिर के पास से गुजर रहा था तो घोड़ा बिदक गया और उसने अपने असावधान सवार को दूर फेंक दिया। गोवर्धन पीठ के बल जमीन पर गिरा और उसे अपनी आंखों के आगे तारे नाचते दिखाई दिए जब उसका सर जमीन से टकराया और फिर आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सेनापति, सेनापति, क्या आप ठीक हैं? सेनापति, सेनापति, क्या आप ठीक हैं? गोवर्धन को आवाज सुनाई तो दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो दूर से आ रही हो, धीमी, दूर, बहुत दूर से आती हुई। उसे अजीब सी अनुभूति हो रही थी कि वो किसी कुएं की पैंती में फंसा हुआ है। मैं यहाँ कैसे आया? उसने ऊपर की तरफ तैरने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाहों ने साथ नहीं दिया। सेनापति, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई मुझे तलाश कर रहा है, काश वो मुझे सोने देते। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका कंधा पूरी तरह से हिलाया जा रहा है। उसी पल वो पूरे होश में आया और देखा कि वो सीधा बैठा है। उसे एक सैनिक ने संभाल रखा है और दूसरा चिंतित होकर उसे देख रहा है। मैं ठीक हूँ, उसने ठर्राते हुए आवाज में कहा। उसने सैनिक की तरफ देखकर सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें भींच ली जब उसे अपने सिर के पीछे एकाएक दर्द महसूस हुआ। आराम से सैनिक, आप बुरी तरह से गिरे थे, सैनिक ने कहा। ये वही सैनिक था जिसने उस तुर्क घुड़सवार को मारा था जिसका घोड़ा गोवर्धन ने ले लिया था। तभी उसे याद आया कि युद्ध चल रहा है। कहाँ है? मेरे साथ हमारे करीब 30 आदमी हैं, सैनिक ने घुड़सवारों के एक दल की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम यहाँ आपके आदेश के अनुसार पहुंचे हैं, महाराज और उसके सैनिक तुर्कों पर आक्रमण करने गए हैं। हम क्या करें स्वामी? हम भी निसंदेह उनके साथ ही जाएंगे, गोवर्धन ने कहा और खड़े होने की कोशिश करने लगा। वो अभी भी थोड़ा अस्थिर था। मुझे दूसरा घोड़ा दो। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसे दूर से जीत की गर्जना सुनाई दी। थोड़ी देर बाद दुख भरे विलाप भी गूंजने लगे। गोवर्धन ने उस दिशा में देखा जिधर महिपाल आक्रमण करने गया था और उसके सीने में जैसे एक तेज चुभन हुई। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। नहीं, प्रभु राम दया करो। महाराज महिपाल तोमर का कटा हुआ सिर एक भाले पर रखा हुआ था और गजनी के सैनिक खुशी से चीख चिल्ला रहे थे। दिल्ली के राजा का मुंह दुख और पीड़ा से खुला था। उनकी खुली आंखों में अभी भी क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। भाले पर टंगी उनकी गर्दन से खून टपक रहा था। इस विभत्स दृश्य को देखकर कुछ भारतीय सैनिकों ने अपने हथियार फेंक दिए और समर्पण करते हुए अपने हाथ ऊपर कर लिए थे। गजनी के सैनिकों ने उन्हें निर्दयता से काट डाला। तुर्कों की तरफ से जोर से आवाज आ रही थी, कोई कैदी नहीं, कोई कैदी नहीं, सभी काफिरों को मार डालो। तुर्क किसी भी जगह युद्ध के नियम कायदे नहीं मानते थे, उन्हें सिर्फ जीत से मतलब होता था। गोवर्धन सम्मोहित सा खड़ा उस दृश्य को देख रहा था। उसका दिमाग उस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसकी आंखें दिखा रही थी। उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ और वो नींद से जगा। सेनापति, उस आदमी ने अनिश्चितता भरे स्वर से कहा। गोवर्धन ने उसकी ओर, फिर अपने सभी सैनिकों की ओर देखा। सभी उसकी तरफ निहार रहे थे और उसके अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। विकल्प स्पष्ट था, मृत्यु या अपमान। एक सैनिक बोल पड़ा, हमें क्या करना चाहिए स्वामी? नहीं, वास्तव में तो विकल्प भिन्न था, आज की मौत या फिर किसी और युद्ध के लिए जिंदगी।
आज मरो या बाद में बदला लो, यहां से निकलो, आखिरकार गोवर्धन ने कहा। और देखा कि उसके सैनिकों ने भी राहत महसूस की और वो घोड़े पर सवार होकर दूर जाने लगे, अपने नेक राजा के कटे हुए सिर से दूर, जो पराजित हुआ था प्रतिष्ठा के साथ, कपटी तुर्कों से दूर, जो जीते थे धोखाधड़ी के साथ। लेकिन गोवर्धन के पीछे चल रहे ज्यादातर घुड़सवारों के मन में एक विचार था, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुर्क कैसे जीते, वो जीते थे यही मायने रखता है। अध्याय 10। सराय का मालिक उसका इंतजार कर रहा था। कई घंटों की तेज घुड़सवारी के बाद वो नौजवान काफी थक गया था और उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और फिर सारा दिन सोता रहा। रात में वो तरोताजा होकर उठा और फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। अगले कुछ दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। हालांकि शुरुआत में वो बेहद सतर्क था, लेकिन उसके सफर के एक रास्ता और उसके घोड़े की स्थिर चाल ने उसे थोड़ा ढीला कर दिया था। उसने एकाध जंबाई ली, फिर उसे महसूस हुआ कि उसकी पलकें बंद हो रही हैं और उसकी थोड़ी छाती की तरफ झुक रही है। रुको, उधर कौन जा रहा है? नौजवान अपनी नींद से जगा, उसे अपनी असावधानी पर खींच भी आई। इस बारे में कुछ भी करने के लिए काफी देर हो चुकी थी। मैं चैन की तलाश में आया हूँ भाई, नौजवान ने शांत लहजे में कहा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो और अपने हाथ को वहां रखो जहां से मैं देख सकता हूँ। नौजवान घुड़सवार ने ऐसा ही किया। जब वो आवाज के स्रोत के पास पहुंचा तो उसे दो अलगाव दिखाई दिए। उसके इर्द गिर्द करीब 80 लोग जमा थे। दो शख्स उस समूह से निकले और घुड़सवार के पास आए। उसमें से एक का चेहरा गोल था, आंखें छोटी थी और गाल की हड्डियां ऊंची थी, और साफ तौर पर वो एक तुर्क था। दूसरा सांवले रंग का लंबा चौड़ा शख्स था और चारों तरफ देख रहा था, सतर्क सावधान। तुम कौन हो सकते हो? नौजवान घुड़सवार ने सांवले रंग वाले शख्स के बारे में सोचा। तुम भारतीय दिखाई देते हो, लेकिन उसने अपने विचार मन में ही रखे। तुर्क दिखने वाले शख्स ने उस नौजवान अजनबी की तरफ घूर कर देखा। रात के अंधेरे में नौजवान घुड़सवार का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये तो स्पष्ट था कि वो अच्छे डिलडोल, चौड़े कंधे और मजबूत बाहों वाला नौजवान था। कौन हो तुम? तुर्क दिखने वाले शख्स ने नौजवान घुड़सवार से पूछा। उसके लहजे से साफ हो रहा था कि वो तुर्क है। नौजवान घुड़सवार ने अपने हाथ फैला दिए। मैं अल्लाह की तलाश करता हूँ भाई, मैं एक पीर की तलाश में हूँ जो मेरे रूहानी सफर में मुझे रास्ता दिखाए। मैंने सुना है कि भारत में कुछ महान सूफी संत रहते हैं, शायद मेरी तलाश मुझे वहीं तक ले जाए। भारत? तुर्क ने पूछा। ये एक दिलचस्प मेल है। आग के पास बैठे हुए कुछ भाई वहीं से हैं। हाल ही में वो सच्चे धर्म में शामिल हुए और उस महान मस्जिद को देखने के लिए गजनी जा रहे थे जो महान सुल्तान ने बनवाई है। अच्छा, फिर तो उन्हें काफी अच्छा लगेगा, नौजवान घुड़सवार ने जवाब दिया। वो इमारत वाकई खूबसूरत है। क्या तुम हमारे साथ रात के खाने के लिए आना चाहोगे? तुम रात में रुककर सुबह आगे जा सकते हो। नौजवान घुड़सवार एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। इस काम में खतरा बहुत ज्यादा था। आपकी पेशकश के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं आगे बढ़ते रहना चाहूंगा। तुर्क उस नौजवान घुड़सवार की ओर काफी देर तक देखता रहा। अंत में उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। फिर जब वो नौजवान घुड़सवार वापस जाने लगा तो उसने उसे पुकार कर पूछा, तुमने अपना नाम क्या बताया था? नौजवान घुड़सवार ने भारत में अपने मिशन के लिए पहले से ही अपना नकली नाम सोच रखा था। उसे इसके बारे में सही सलाह मिल चुकी थी। अस्लान, मेरा नाम अस्लान है।
हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम असलान है। असलान जग गया और देखा कि सुहेल देव उसके पास खड़ा है। उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान है। फिर से ख्वाब देख रहे हो? असलान ने बिना कुछ कहे हामी भरते हुए सिर हिलाया, उठा और हाथों से अपने कपड़े झटकने लगा, पूरी तरह होश में आते हुए। क्या उसने कुछ खुलासा कर दिया? फिर लापरवाही का दिखावा करते हुए उस पतले कंबल को समेटना शुरू किया जिस पर वो लेटा हुआ था। उसकी खुरची तकिए का काम करती थी। सुहेल देव उसे लंबे समय तक आंकता रहा। तुम पक्के तौर पर इस मिशन पर फिर से जाना चाहते हो? असलान सुहेल देव के दस्ते को लंबी अवधि के लिए बीच बीच में छोड़कर चला जाता था। उसने सुहेल देव को बताया था कि वो तुर्कों की जासूसी कर रहा है। वो अपने विजय अभियान पर उत्तर भारत की ओर लौट गए हैं। उसकी नई रणनीतियों पर कोई खुफिया जानकारी सुहेल देव के लिए बहुत कीमती थी, और असलान आम तौर पर फायदेमंद जानकारी के साथ लौटता था। इसीलिए असलान के इस तरह से दस्ते को छोड़कर जाने से राजकुमार को आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस तरह के मिशन में खतरे भी होते हैं। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है, असलान ने कहा। मैं एक तुर्क हूँ, मैं उसकी भाषा और रीति रिवाज जानता हूँ। आपके लिए उनकी जासूसी करना मेरे लिए आसान है। आप घबराइए नहीं, मैं ठीक रहूंगा। मैं अब निकलूंगा और थोड़े समय बाद आपसे मिलूंगा। ठीक है, लेकिन सावधान रहना मेरे दोस्त। असलान मुस्कुराया। सावधान मेरे नाम में ही जुड़ा है। फिर तो ये खामोश शब्द है। असलान जोर से हंस पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए सुहेल देव को गले लगाया। आप भी अपना ख्याल रखना राजकुमार।